Hello everyone, do you know after the Great Depression of 1929 in stock market, famous investor Warren Buffett and Charlie Munger had changed the way of investing. Do you know why? Let's find out in this video. ऐसा क्या था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट चार्ली मंगर जी को भी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी, क्योंकि इस समय ऐसा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 1929 का, जिसमें भारत में नहीं पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई थी। यूएस मार्केट तो पूरी तरह से डाउन हो चुका था। इसमें कॉमन इन्वेस्टर नहीं बड़े बड़े इन्वेस्टर को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके बाद ये स्ट्रेटजी आने के बाद वॉरेन बफेट चार्ली मंगर और बड़े बड़े इन्वेस्टर को भी थक हार कर उस स्ट्रेटजी को अपनाना ही पड़ा, तब जाके आज वो स्टॉक मार्केट के किंग कहलाए जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वो कौन सी स्ट्रेटजी है और वो कौन है जिन्होंने ये स्ट्रेटजी दी है, और ये क्या है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द केस स्टडी ऑफ फिलिप फिशर। फिलिप फिशर जी की केस स्टडी को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, सेकंड पार्ट में बात करेंगे एक्सपर्ट एंड प्रिडिक्टिंग थिंग्स, थर्ड पार्ट में बात करेंगे उनके बेटे केएल फिशर वर्ड्स, उनके एक्सपीरियंस, उनके पिताजी के साथ क्या एक्सपीरियंस थे, और फोर्थ पार्ट में बात करेंगे उनकी बुक कॉमन स्टॉक के अनकॉमन प्रॉफिट्स और वो स्ट्रेटजी के बारे में, जिसे बदल कर आज वॉरेन बफेट ने खुद ने अप्लाई किया है अपनी स्ट्रेटजी में और आज वो स्टॉक मार्केट किंग बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी ऑफ फिलिप फिशर। फिलिप फिशर जी का जन्म 8 मई 1907 में सैन फ्रांसिस्को के गरीब परिवार में हुआ था। उस समय उनकी फैमिली कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं थी कि कॉलेज की तो दूर की बात, स्कूल के एजुकेशन को वो कंप्लीट करवा पाए। फिर भी जैसे तैसे उन्होंने फिलिप फिशर जी के एजुकेशन को कंप्लीट करवाया, पर जब उन्हें पता चला कि उनकी आंटी जी, उनकी आंट अंतिम सांस ले रही है, तब वो उनसे मिलने गए। मिलने के बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्हें पता चला कि उनकी पूरी एजुकेशन का जिम्मा, पूरी एजुकेशन का खर्चा उनके पिताजी ने नहीं, उनकी आंट ने उठाया था। उसके बाद से ही उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि भले से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिता दी, पर आने वाली ज़िंदगी में मैं गरीबी से समझौता नहीं करूँगा और गरीबी में नहीं रहूँगा, आने वाली ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दूँगा। इसलिए उन्होंने लंदन पेरिस नेशनल बैंक में एज ए मॉडर्न सिक्योरिटी एनालिसिस की जॉब की। जिस समय स्टूडेंट कॉलेज खत्म होने के बाद एंजॉयमेंट करना पसंद करते हैं, पर उन्होंने एंजॉयमेंट को छोड़कर जॉब करना पसंद किया अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। उसके बाद एक साल से भी कम समय में उस बैंक के वो चीफ बन गए। पर बोलते हैं ना कि मुसीबत बोलकर नहीं आती। उसके कुछ समय बाद ही उनके पिताजी की हालत बिगड़ने लगी, जिससे उन्हें उस बैंक से रिज़ाइन करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में एज ए ब्रोकर जॉब की, क्योंकि उस समय वो बेंजामिन ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते थे। ये समय था 1929 का मार्केट क्रैश। 1929 का मार्केट क्रैश हुआ क्यों था, क्योंकि 1920 की बात है, जब स्टॉक मार्केट में कंपनी के प्राइस बढ़ते जा रहे थे। जिस कंपनी का प्राइस कभी $2 हुआ करता था, $2 हुआ करता था, वो डायरेक्ट $20 तक पहुंच गया था। जो $20 की कंपनी थी वो $80 तक पहुंच गई थी। ऐसे करते 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 सभी लोगों को लगा कि स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो यूएस के लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। जिनके पास पैसे नहीं थे वो लोन लेकर, उधार लेकर स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना शुरू कर दिया। इससे स्टॉक मार्केट में कंपनी का प्राइस ओवर वैल्यूड होने लगा। इससे ओवर वैल्यूड तो हो रहा था कंपनी का प्राइस, बट यूएस की इकोनॉमी नीचे गिर रही थी। प्राइसेस तो बढ़ रहे थे पर इकोनॉमिक में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा था, वो नीचे ही गिरते ही जा रही थी। कि सडनली 1929 में स्टॉक प्राइसेस ओवर वैल्यूड होने लगा, स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया, जिससे सडनली पूरी तरह से स्टॉक मार्केट गिर गया, जिससे यूएस की इकोनॉमिक में एक बड़ा डाउनफॉल आया। क्योंकि उस समय की फेमस कंपनी यूएस स्टील, जो $250 हुआ करती थी स्टॉक मार्केट क्रैश से पहले, वो नीचे गिरकर $25 पर आ गई, और जनरल मोटर का प्राइस $90 से $10 पर आकर गिर गया। इतना ही नहीं, ये स्टॉक मार्केट क्रैश उनके लिए श्राप साबित हुआ जिन्होंने लोन लेकर, उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की थी। इसके बाद यूएस में बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों को उनकी जॉब से निकाल दिया जा रहा था। उनमें से थे फिलिप फिशर जी को, उनको भी उनकी ब्रोकरेज फर्म से धक्के मार के निकाला था, जिनसे वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे, क्योंकि मार्केट में पैसा तो डूब ही गया था, साथ ही साथ जॉब भी छूट गई थी, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे। पर कहते हैं ना कि मुसीबत में
कुछ लोग होते हैं जो बिखर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो निखर जाते हैं। उनमें से एक थे फिलिप फिशर जी। उन्होंने हार नहीं मानी, डिसीजन लिया और नई स्ट्रेटजी बनाई, जिसे हम आज जानते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में। ग्रोथ इन्वेस्टिंग से उन्होंने लोगों को नए नए प्रॉफिट दिए, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, फिशर एंड फिशर कंपनी स्टार्ट की, जिससे आज वो एक स्टेबल हो गए। उसके बाद उन्होंने लिखी अपनी बुक कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आने वाले पार्ट में। कई बार बड़े बड़े इन्वेस्टर भविष्यवाणी करते हैं जो मोस्टली टाइम पर सही होती है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या वो भगवान है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा क्या है उनके पास जिससे वो जो भी प्रिडिक्ट करते हैं वो मोस्टली टाइम पर सही होती है? कुछ लोग उन्हें मिथ समझते, कुछ लोग उन्हें कहते कि ये तुक्का है। परंतु बताना चाहता हूँ कि उनके पास ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसे फॉर्मूले है जिसके कारण वो जो भी प्रिडिक्ट करते हैं मोस्टली टाइम पर सही होते हैं। इसका मैं एग्जांपल फिलिप फिशर जी का लेने वाला है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि क्यों लोग उन्हें एक ग्रेट प्रिडिक्शनर कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। एक बार जब फिलिप फिशर उनके बेटे बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक होटल में रुके हुए थे, उस होटल में डिनर के समय एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ। कॉन्टेस्ट यह था, सभी को चिट दी गई थी और सभी को US इंडेक्स का डॉ जॉन्स उसका प्रिडिक्ट करना था कि कल कितना अंक ऊपर उठेगा, कल कितने अंक नीचे जाएगा। सभी को उस चीट के अंदर पॉइंट लिखने थे कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कितना लिख सकते हो, वो सभी को लिखना था। उसमें से फिलिप फिशर, उनके बेटे और सभी को चीट दी गई थी। सभी ने चीट में अपने अपने अंक लिखे और उसे सबमिट कर दिया। जीतने वालों को मिलने वाली थी मिनी कलर टीवी, उस समय जो महंगी हुआ करती थी, और कल अनाउंसमेंट होने वाला था विनर का जब मार्केट क्लोज होने वाला है। तो केल फिशर, जो उनके बेटे फिलिप फिशर जी के, और सभी लोगों ने, अधिकांश लोगों ने इतना ही लिखा था कि 5 पॉइंट ऊपर होगा, 5 पॉइंट नीचे होगा। पर केल फिशर जी जानना चाहते थे कि उनके पिताजी ने क्या लिखा है। जब केल फिशर जी अपने पिताजी के पास गए, जब उन्होंने पूछा कि पिताजी आपने क्या लिखा है, तो उनका जवाब सुनकर वो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने लिखा था 30 पॉइंट अप। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उस महीने में कभी भी डाउ जॉन्स 30 पॉइंट प्लस ऊपर ही नहीं गया था। और जब उन्हें पूछा अपने पिताजी कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल, तो उनके पिताजी ने कहा आई डोंट हैव एनी आइडिया, मैं अपने एक्सपीरियंस, मैं अपने रिसर्च, अपने एनालिसिस के बेसिस पे मैंने 30 पॉइंट प्लस लिखा था, और यदि मैं 5, 6, 7 पॉइंट जो लोगों ने लिखा था, यदि मैं वो लिख देता और यदि मैं जीत गया तो लोग मुझे भाग्यशाली समझेंगे, और यदि मैं हार गया तो लोगों को लगेगा कि इसे कुछ नहीं आता है, परंतु यदि मैं 30 प्लस पॉइंट में जीत गया तो लोगों को पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेटजी, मेरी प्रिंसिपल में कितना दम है, इससे आप भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। और कल जब स्टॉक मार्केट क्लोज ही होने वाला था, जब मार्केट क्लोज होने वाला था, तब डॉ जॉन्स का प्राइस 32 प्लस में क्लोज हुआ और अनाउंसमेंट हुई कि फिलिप फिशर जी जीत गए। तब जाके सभी लोग हैरान हो गए कि ऐसा क्या हुआ था, इनके पास ऐसा क्या है, इससे इनको कैसे पता कि 30 प्लस पॉइंट मार्केट ऊपर होने वाला है। तब जाके लोगों को पता चला कि उनके प्रिंसिपल, उनकी इन्वेस्टिंग में इतना दम है कि यदि आप भी उसे लगाते हो तो आपको भी स्टॉक मार्केट में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बाद पूरी तरह से स्टॉक मार्केट बदल चुका था। स्टॉक मार्केट क्रैश होने से पहले पुराने स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने नए प्रिंसिपल बनाए, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और बहुत सारी मेथड बनाई थी, जिसे यूज़ करके वॉरेन बफेट और बड़े बड़े इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट किंग बन सके। इस दुनिया में महान बनने से पहले आपको बाहरी लोगों को प्रूफ करना पड़ता है, उसके बाद ही फैमिली मेंबर आपको महान समझते हैं। इसका रियल एग्जांपल है फिलिप फिशर जी के बेटे केल फिशर जी का, क्योंकि 15 साल की एज में जब उन्होंने अपने फादर की बुक पढ़ी, तब उन्हें इम्पोर्टेंस ही पता नहीं थी। उन्होंने खुद कहा था कि मैंने अपने फादर की बुक पढ़ने में पूरा समर वेकेशन वेस्ट कर दिया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर हैरानी की बात तब थी जब उन्हें पता चला कि उनके फादर की बुक न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर लिस्टेड में इंक्लूडेड है। तब जाके उनको इम्पोर्टेंस पता चली अपने फादर की, उनके बुक की और उनके प्रिंसिपल की। तब जाके उन्होंने अपने फादर के साथ जॉब की और लाखों कंपनी का दौरा किया। तब उन्हें पता चला कि उनके फादर किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले एक क्वेश्चन जरूर पूछते थे, दैट इज व्हाट सो स्पेशल एंड यूनिक आर यू डूइंग दैट्स योर कॉम्पिटिटर आर नॉट डूइंग येट, कि ऐसा आप क्या यूनिक और स्पेशल कर रहे हो जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे, इससे आप एक लीडिंग कंपनी हो। किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये देखिए कि वो कंपनी नई है या इसमें ऐसा क्या स्पेशल जो आप पैसा लगाकर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि केएल फिशर जी ने खुद, उनके बेटे ने जब पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था एक कंपनी में, तो कंपनी लेस बेकर हो गई थी। $10 की कंपनी नीचे गिरकर $1 पर आ गई थी, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ था। तब जाके उन्हें इम्पोर्टेंस पता चली थी उनके फादर के, उनके प्रिंसिपल की। और बात इतनी नहीं है, खुद
फिली फिशर जी ने अपनी बुक के रिव्यू के लिए एक मीटिंग रखी जिसमें 40 यंगेस्ट इन्वेस्टर को बुलाया गया, इनसे हैंड टू हैंड मीटिंग की। उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्या करते हो किसी कंपनी में स्टॉक पिक करने के लिए। तब उन्हें पता चला कि मैक्सिमम लोग उनकी फिलोसॉफी को ही अपनाते हैं, तब जाके उनको रिजल्ट मिला। पर हैरानी की बात यह है कि उनमें से दो इन्वेस्टर एक ऐसे थे जो लाखों लाखों रुपए का नुकसान पा रहे थे। उनको नुकसान ही हो रहा था, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। तब जाके फिली फिशर जी ने उनकी मदद की और उन्हें बताया कि कैसे प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और एक हैरानी की बात देखो कि वो दो नहीं थे, वो तीन थे। उनमें से एक थे उनके बेटे केएल फिशर। ये केएल फिशर जी को भी पता नहीं था। ये बात तब पता चली जब उनके बेटे 40 साल के हो गए थे और उनके पिताजी ने एक लेटर भेजा था। लेटर सेंड नहीं किया था, पर वो लेटर एक बुक में था। जब केएल फिशर ने अपने पिताजी की बुक को खोला था, तब पता चला था कि वो तीसरा इन्वेस्टर तो मैं ही था। जब मुझे $10 से $1 का लॉस हुआ था, जब मैंने कंपनी में $10 का इन्वेस्टमेंट किया था, वो जाके $1 हो गया था। और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी मेरे एक साल तक बात क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद जब उन्होंने बात की तो इस बारे में बात नहीं की, उसके बाद मुझे सिखाया और एक ग्रेट इन्वेस्टर बनाया। और आज भी मैं अपने पिताजी की बुक प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ और मैं खुद कहता हूँ कि दिस इज अ वन एंड ग्रेटेस्ट बुक इन दिस वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। एंड वो कहते हैं कि माई फादर इज़ अ गुड मैन हु इन्फ्लुएंस मैनी पीपल इंक्लूडिंग मी। मैं मुझे भी और पूरी दुनिया के लोगों को उन्हें इन्फ्लुएंस किया है। तो आप भी जरूर पढ़िए मेरे फादर की बुक कॉमन स्टॉक एंड कॉमन प्रॉफिट। बर्कशायर हैथवे की अनाउंस मीटिंग में वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर ने खुद कहा है कि कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट बुक इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट बुक ऑफ इन्वेस्टिंग। इस बुक के अंदर ऐसे सीक्रेट ऐसे फॉर्मूले है, इसमें आप ये पता कर सकते हैं कि वट टू बाय, कि हमें क्या बाय करना चाहिए। उनकी 15 पॉइंट चेकलिस्ट है और वेन टू सेल, कि हमें कब सेल करना चाहिए। जब फिली फिशर जी से पूछा गया कि हमें कब स्टॉक को बेचना चाहिए, क्योंकि बाय करने का तो हर कोई बताता है पर सेल करने में समस्या आती है, तब उनसे पूछा गया कि सर क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपकी क्या साइकोलॉजी है किसी भी स्टॉक को बेचने की। तब उन्होंने कहा कि लगभग कभी नहीं, क्योंकि उनकी ग्रेटेस्ट इन्वेस्टिंग थी लगभग उनके मरने तक, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था और मरने के बाद भी उस कंपनी को बेचा नहीं था, उस कंपनी के स्टॉक को बेचा नहीं था। वो कंपनी थी मोटोरोला कंपनी। यदि कंपनी अच्छी है तो वेट करने में कोई हर्ज नहीं है, पर यदि कंपनी बेकार है तो बेचने में कोई हर्ज नहीं है, अभी के अभी बेच दीजिए। और खुद बेंजामिन ग्राहम और फिली फिशर जी दोनों की इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी को दौड़कर परफेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं वॉरेन बफेट जी। उन्होंने खुद ने कहा है कि दोनों की स्ट्रेटजी पावरफुल स्ट्रेटजी है। यदि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग दोनों को जोड़कर इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है इन्वेस्टिंग फील्ड के अंदर, और आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो यदि आप चाहते हैं बेंजामिन ग्राहम की केस स्टडी को भी जानना, तो इसके ऊपर पहले से वीडियो बना दी गई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी जाके देख सकते हैं बेंजामिन ग्राहम की केस स्टडी को और फिली फिशर की केस स्टडी को। तो आपने देख ही लिया है। तो यदि आपने नया कुछ सीखा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक क्वेश्चन और, यदि आप चाहते हैं कि कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग से हम स्टॉक पिक करें, कैसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग से हमें स्टॉक पिक करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकते हैं कि कैसे किसी भी कंपनी को वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेस पे और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बेस पे या दोनों के बेस पे किसी कंपनी के स्टॉक को कैसे पिक किया जाता है और कब तक उसे होल्ड कर रख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेशन।